नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के अमेठी से, जहां हत्या व अपहरण का खुलासा करते हुए पुलिस ने अपहरित का शव बरामद करते हुए उसका एटीएम कार्ड व मोबाइल फोन के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक का रिश्तेदार ही निकला, जिसने पैसों की लालच में रिश्तेदार की हत्या अपने साथी के साथ कर दी। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए अमेठी एसपी दिनेश सिंह ने जानकारी दी कि सलीम की निशानदेही पर पुलिस ने शव को भी बरामद किया और साथ ही साथ एटीएम भी बरामद किया है। आप देख रहे हैं अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खुलासा किया गया, क्या है पूरा मामला? ये दिनांक 16 तारीख को 14:20 पे, दोपहर में 2:20 पे सहीसुल जमा ने अपने पुत्र की गुमशुदगी, पुत्र मकसूद की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके क्रम में विवेचना करते हुए आज पुलिस ने उसके फुफेरे गुमशुदा जो थे मकसूद, उसके फुफेरे भाई को गिरफ्तार किया है और उसने पूछताछ के दौरान इस बात को स्वीकार किया कि पैसों के लालच में उसने अपने फुफेरे भाई को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया कुर्रा गांव में मोहनगंज। वहां बाहर उसने एक सुनसान में अपने साथी रईस और संजय के साथ मिलकर उसकी हत्या करके उसे कुएं में डाल दिया। पूरा प्रकरण पाया गया कि पैसे के लोभ में मकसूद के फुफेरे भाई सलीम अपने साथी रईस और संजय के साथ मिलकर उसकी हत्या करके उसके कुएं में फेंक दिया गया। अभियुक्त सलीम गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से दो मोबाइल फोन, एक मोबाइल फोन और एक एटीएम कार्ड बरामद हुआ है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। शव की बरामदगी सलीम की निशानदेही पर कर ली गई है। पूरा घटनाक्रम में ये पाया गया कि पैसों के लालच में इन्होंने अपने बिल्कुल करीबी रिश्तेदार मकसूद की हत्या करी और उसके शव को कुएं में फेंक दिया। टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। अनावरण बहुत त्वरित गति से 12 घंटे के अंदर घटनाक्रम का अनावरण हुआ। इसके लिए मैं टीम को 5,000 रुपये से पुरस्कृत कर रहा हूँ। इसका आपराधिक इतिहास करें सर? अभी इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ये बिल्कुल लोभ में की गई घटना है। एक तरह से कह सकते हैं कि सामाजिक संबंधों और मानवीय मूल्यों को तार तार करती हुई घटना है, जिसमें कि ऐसा इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं, बस इनको ऐसा लगा कि उसके खातों में पैसा है, अगर इनके पास उसका मोबाइल फ़ोन और एटीएम कार्ड आ जाएगा तो ये एटीएम कार्ड और मोबाइल का प्रयोग करते हुए उसका पैसा धीरे धीरे अपने खातों में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यद्यपि इनका ये जो सपना है पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ये निश्चित रूप से एक दुखदायी और पीड़ादायी घटना है, जिसमें कि निकट संबंधों में लोभ के कारण ऐसी जघन्य हत्या की गई।